मोदी सरकार की तर्ज पर अब सीएम कमलनाथ भी राज्य में एक ऐसा बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं जो सबको हैरान करने वाला है। जी हां, आपको बता दें कि राज्य में ऐसे कानून जो कि अनुपयोगी हैं वो रद्द करने जा रहे हैं कमलनाथ सरकार। आपको बता दें कि विधि आयोग ने लगभग 350 कानूनों का अध्ययन किया है, जिसमें से 50 कानूनों को अब कमलनाथ सरकार रद्द करने की कवायद में है। देखिए एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार भी अनुपयोगी कानूनों को रद्द कर सकती है। राज्य विधि आयोग ने ऐसे कानूनों का अध्ययन शुरू कर दिया है। अब तक करीब 350 कानूनों का परीक्षण किया गया है। इनमें से 50 कानून वर्तमान स्थिति में अनुपयोगी पाए गए हैं। आयोग इन्हें रद्द करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश भेज रहा है। वर्ष 2018 में गठित हुए प्रदेश के तीसरे राज्य विधि आयोग ने अनुपयोगी पुराने कानूनों को हटाने और वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से नए कानून बनाने पर काम शुरू किया है। सूत्रों की माने तो आयोग ने प्रदेश में मौजूद 1000 से ज्यादा कानूनों का अध्ययन शुरू किया है। अभी तक इनमें से करीब 350 कानूनों का परीक्षण किया जा चुका है, जिनमें से 50 वर्तमान स्थिति के हिसाब से अनुपयोगी पाए गए हैं। इन कानूनों की या तो अवधि समाप्त हो चुकी है या फिर वर्तमान में प्रभावी नहीं है, इसलिए आयोग ने इन्हें रद्द करने की सिफारिश का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जो अगले एक माह में राज्य सरकार को सौंपा जा सकता है। निश्चित तौर पर विधि समय समय पे इसका परीक्षण करता है, और जो चाहे केंद्र सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार, जो कानून विदों से सलाह लेकर जो अनुपयोगी कानून होते हैं उसको किया जाता है। अभी हम लोग इसका परीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या किस तरह से इसको किया जाएगा, लेकिन जो अनुपयोगी हैं वो निश्चित तौर पर उनको डिलीट किया जाएगा, और इसका विधिवत हम लोग फिर सही तरीके से लोकार्पण करें। नहीं, निश्चित तौर पर विधि समय समय पर इसका परीक्षण करता है, और जो चाहे केंद्र सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार, जो कानून विदों से सलाह लेकर जो अनुपयोगी कानून होते हैं उसको किया जाता है। अभी हम लोग इसका परीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या किस तरह से इसको किया जाएगा, लेकिन जो अनुपयोगी हैं वो निश्चित तौर पर उनको डिलीट किया जाएगा, और इसका विधिवत हम लोग फिर सही तरीके से लोकार्पण करें। अनुपयोगी कानून रद्द करने संबंधी ड्राफ्ट पर पहले विधि विभाग काम करेगा। विभाग यह देखेगा कि जिन कानूनों की सिफारिश की गई है वे वाकई अनुपयोगी हो गए हैं या नहीं। यदि विभाग की जांच में भी यह कानून अनुपयोगी पाए जाते हैं तो रिपोर्ट के साथ आयोग की सिफारिश शासन को भेज दी जाएगी। इसके बाद सरकार इन कानूनों को रद्द करने का फैसला लेगी। ऐसे में द भोपाल गैस अधिनियम 1985, द मध्य प्रदेश एग्रीकल्चरिस्ट लोन एक्ट 1984, मध्य प्रदेश कैटल डिसीजेज एक्ट 1934 और मध्य प्रदेश हॉर्स डिसीजेज एक्ट 1960, मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण विमुक्ति अधिनियम 1982 सहित अन्य कुछ और भी कानून हैं जो खत्म हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।